हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ मीठा बनाऊंगी। वैसे तो आपने नारियल के लड्डू बहुत खाए होंगे, बट आज मैं कुछ नया टाइप का बना के दिखाऊंगी, जिसका नाम है चॉकलेट कोकोनट बॉल्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट जाएंगे। ये एक बाउल मैंने नारियल क्रश लिया है, ये ओरियो बिस्किट का मैंने क्रश करके रखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिल्क है, ये और नारियल क्रश रखा है कोटिंग के लिए, ये बटर है, ये चॉकलेट है, ये नट्स हैं कुछ कटे हुए, ये इलायची पाउडर है। फ्रेंड्स, ये अमूल मिल्क मेड है जो हम ये बनाएंगे लड्डू, इसमें काम आएगा। मैंने गैस ऑन कर दी है, इसमें मैंने एक पैन में पानी डाला है, इसके ऊपर बाउल रखा है, मैं इसमें ये चॉकलेट डालूंगी। इसको मेल्ट करना है हमको, तो इसमें हम थोड़ा सा मिल्क डाल के इसको मेल्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चॉकलेट मेल्ट कर दी है, ये मैंने बटर भी मेल्ट किया हुआ है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम नारियल डालेंगे, इसमें हम ये मिल्क मेड डालेंगे। अब हम इसमें ये नट्स डालेंगे, ये इलायची पाउडर है, थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे। अब हम इसको हाथ से ही मिलाएंगे। अब हम इसके बॉल बनाएंगे। ये बिस्किट हैं, अब हम इसमें बटर डालेंगे, चलाते हुए देखते रहिए। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसके छोटे छोटे गोले बनाऊंगी इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे हमने बॉल्स बना के रखे हुए हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए इसको फ्रीजर में रखेंगे। जब तक हम इसके गोले बनाएंगे, इनके लड्डू बनाएंगे, इतने में हम इनको सेट करेंगे फ्रीजर में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बना के रख दिए। अब हम देखते हैं, फ्रीज में से उसको निकालेंगे, फिर हम इनके अंदर करेंगे। अब हम इनको बनाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा इनको। इसको बड़े आराम आराम से ब्राउन करना है, वरना अंदर का वो निकल जाएगा चॉकलेट। इसको इस तरह से
पूरा कवर करना है। इस तरह से हम सारे बॉल बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बना दिए हैं हमने लड्डू। अब हम इसको थोड़ी देर और फ्रीजर में रखेंगे सेट करने के लिए, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुए पड़े हैं, तो इनको थोड़ा सा हमें हार्ड करना है, इसीलिए हम फ्रीजर में रखेंगे। ये हम देखो धीरे धीरे इसमें चॉकलेट में मिलाएंगे लड्डू, और ये करके निकाल के ऐसे प्लेट में रखते जाएंगे। इनको अब हम दोबारा से फ्रीजर में रखेंगे, जो इनके ऊपर हमने चॉकलेट की लेयर जमाई है वो इसको सेट करने के लिए। ये हमारे कोकोनट चॉकलेट बॉल्स बनके तैयार हैं। गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आपको शायद ये पसंद आएंगे और आप इसको घर में जरूर ट्राई करना, और कैसे लगे आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइएगा। थैंक यू।